उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बता दें कि जैसे ही दुर्गा शंकर मिश्रा एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। वहीं आज सुबह ही योगी सरकार ने नए मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबरों की माने तो दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे और सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बस्ती पहुंचे। बस्ती जिले की महादेवा विधानसभा के बैल वड़ाड़ में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी और सपा ने नौकरियां खत्म कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 6 से 6,500 मेगावाट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में थी। बहन जी ने उसको 13,500 मेगावाट किया था। प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने ही किया था। अंधेरे में धूप चल रहा था, उस समय 6,500 मेगावाट की बिजली खाली थी उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने बढ़ा करके और 6,500 से 13,500 मेगावाट पहुंचा करके और नए कारखाने लगा करके उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने किया। कारखानों की यहाँ पर उन्होंने कितने कारखाने उनके दौरान में लगे, कितने लोगों को नौकरियां मिली, 23.5 लाख अगर नौकरियां मिली तो 1,10,000 सफाई कर्मी को मिला, 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मिला, 2 लाख से ज्यादा जो है उन्होंने अध्यापकों को नौकरी दी। कालाढूंगी में कैबिनेट मंत्री भगत की अध्यक्षता में ब्लॉक कोटाबाग में श्रम निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल, कंबल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि नए पंजीकृत श्रमिकों और पुराने पंजीकृत श्रमिकों को लंबे समय के इंतजार के बाद आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक बंशीधर भगत भी उपस्थित रहे। दल के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यहाँ श्रम विभाग द्वारा यह कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है, विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आज 500 लोगों की सामग्री यहाँ पर है। अगर यहाँ श्रमिक ज़्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लोगों का होगा तो 2 दिन बाद फिर आकर के कैंप लगेगा और फिर उनको बांटा। आज हमने यहाँ पर निर्माण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो सामान वितरण है वो किया जा रहा है। जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, कंबल और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। महाराजागंज तराई बलरामपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव में 26 दिसंबर को दिन दहाड़े ग्राम प्रधान की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में नामजद 4 अभियुक्तों में से 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज तराई अशोक सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल अभियुक्त को खरझार पहाड़ी नाले के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र महाराजगंज तराई के ग्राम रूपनगर में प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा की हत्या हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 4 लोग नामजद थे और तब से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल जो है मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि उनमें से एक अभियुक्त भागने की फिराक में है, जिस सूचना पर पुलिस टीम महाराजगंज तराई और SOG की हमारी टीम इनके द्वारा खाराजार नाले के पास में उसको ट्रेस किया गया और अलीगढ़ में 27 दिसंबर की शाम एटा के सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उस समय हुई जब संजीव गुप्ता अपने घर से किसी सीमेंट कंपनी के एक अधिकारी को उसके घर पर छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान कार सवार अपराधियों ने संजीव गुप्ता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और उसका खुलासा कर दिया। संदीप गुप्ता की हत्या समाज सेवा के चलते की गई। संदीप गुप्ता की तरफ से एक दहेज के मामले में मध्यस्थता भी की गई
गई थी और पीड़ित लड़की की मदद की गई थी, जिसके बाद पीड़ित लड़की के पति अंकुश ने संदीप गुप्ता की रंजिश के चलते हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी अंकुश और उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। एटा के एक सीमेंट व्यापारी की थाना सिविल लाइन स्थित सेंटर पार्क के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई थी। गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीआईजी महोदय तथा एसएसपी महोदय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोर्स को दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में पूरे शहर में घेराबंदी की गई और सस्पेक्ट कार का पीछा किया गया। यह गाड़ी हरदवागंज क्षेत्र में एक स्थान पर लावारिस मिली, जिसका नंबर तस्दीक करने पर नंबर फर्जी निकला। बलरामपुर के विकास खंड हरैया क्षेत्र में प्रकृति के सफाई कर्मी कहे जाने वाले गिद्धों का झुंड दिखा। आपको बता दें कि गिद्धों की संख्या कम होने को लेकर पर्यावरणविद चिंता जता चुके हैं, क्योंकि काफी समय से गिद्ध नजर नहीं आ रहे थे। फिलहाल तराई इलाके में गिद्धों की मौजूदगी ने एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगा दी है। बलरामपुर के हरैया सतघरवा सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गड्ढे में सड़क हो गई है। बरदौलिया हरिहरगंज मुख्य मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर सड़क ढूंढना ही मुश्किल हो चुका है। जगह जगह पर बने गड्ढे ने केवल आवागमन में परेशानी बढ़ा रहे हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटना का कारण भी बनते जा रहे हैं। 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर में करीब 500 गड्ढे गिने जा सकते हैं। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं किस तरह से सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। उत्तराखंड का गठन हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आंदोलनकारियों की मांग पर कोई भी सरकार अमल नहीं कर पाई है। ऐसे में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। आपको बता दें कि नगर निगम के सभागार में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने एक बैठक की। इस दौरान फैसला लिया गया कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड आंदोलनकारियों की सुध लेना सरकारें भूल गई हैं। कई बार धरना प्रदर्शन सहित राज्य के मुखिया को ज्ञापन तक भेजे गए, फिर भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार ध्यान देने तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलनकारियों के सामने एक बार फिर से राज्य गठन के जैसा आंदोलन करना मजबूरी बनता जा रहा है। हमारी मांगे जो बराबर चली आ रही हैं, 21 साल से हमारा ये राज्य बना और आज 21 साल पूरे हो चुके हैं राज्य बने को, लेकिन आज भी हम अपनी मांगों को लेकर बराबर यहाँ पर धरना पर जो मजबूर होना पड़ता है। क्या इसलिए हमने राज्य मांगा था कि हमारा ये राज्य में हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़े? हमने राज्य से नहीं मांगा था, हमने राज्य से मांगा था हमारे यहाँ के युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर पलायन रुके, हमारा एक उत्तराखंड आदर्श राज्य के रूप में यहाँ पर स्थापित हो। सरकार को जो है जो 10% का मामला है या जो पेंशन जिनको मिल रही है उनको जो है पेंशन पट्टा दिया जाए, एक्ट बना करके पेंशन पट्टा दिया जाए, तब जो है वो जो है पेंशन बरकरार रहेगी। दूसरा, एक राज्य निर्माण सेनानी का हमारा बहुत दिन से मामला चला है, राज्य निर्माण सेनानी उनको घोषित कर जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करने वाला बिजली वाला भी आंदोलन कर रहा, सड़क वाला भी आंदोलन कर रहा, उससे आंदोलनकारी कहलाते हैं। तो हम सरकार से मांग करें कि वो राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले एक बार फिर से गोरखपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है और साथ ही जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था और भयभीत था, भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा, अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर
निवेश हो रहा है, प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं और 60,00,000 परिवारों को सतत रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है, आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है, आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है, आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18,500,000,000,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, वे सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं, कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं ITI का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य, वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और ईस्वी सन का 2022 के आगमन की पूर्व एक दिन पूर्व गोरखपुर वासियों को इतना भव्य वातावरण विकास की योजनाओं के साथ प्राप्त हो रहा है और मनोरंजन के लिए रवि किशन जी और सीताराम जी आपके पास हैं ही पहले से, तो इन लोगों के डायरेक्टर कालीबाड़ी के बाबा जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में दोनों लोग अपनी कला को गोरखपुर के अंदर लागू करते हैं और गोरखपुर के लोगों को इसका आनंद भी प्राप्त होता है। दिसंबर का महीना आपके लिए कितना सौभाग्यशाली रहा है कि दिसंबर के महीने में गोरखपुर में 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है। एम्स का निर्माण होकर के एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस था, डेंगू था, कालाजार था, चिकनगुनिया था, और जब तक इसके सैंपल लेकर के पुणे की लैब में भेजा जाता था, वायरल रिसर्च सेंटर में भेजा जाता था, तब तक मरीज की दुर्गति हो चुकी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कुछ और खबरों का। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में लक्सर पुलिस ने 48 लीटर कच्ची शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी और 10 लीटर लहन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही खानपुर पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को जेल भी भेज दिया गया है। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन पे अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की और 10 लीटर लहन बरामद हुआ है।
थराली में शैक्षिक सत्र के लिए पठन पाठन और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में विकास खंड के विद्यालयों के 29 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इनमें माध्यमिक विद्यालयों से 3 शिक्षिकाओं, 11 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों से 8 शिक्षक और 2 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस विकासखंड में माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार श्रीमान खंड शिक्षाधिकारी महोदय जी द्वारा ये शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, और चूंकि वो बहुत कर्मठ और ईमानदार स्वच्छ सभी के लिए अपने जाने जाते हैं, और उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों न कि जो हमारे इस विभिन्न स्कूलों में जो टीचर्स बहुत अच्छा कार्य उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य टीचर्स भी अच्छा कार्य करें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि परम सरदेह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं शिक्षकों के द्वारा, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें पुरस्कृत किया। और हमारे ऊपर एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम छात्रों के लिए आज तक हमने जितने भी कार्य किए और उसको बेहतर कैसे किया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि हम जो शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मिला है उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और शिक्षक खंड विकास महोदय जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उससे हम गौरवान्वित महसूस हुए ही हैं। साथ ही जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा उससे हम अपने बच्चों अपने छात्रों में और अधिक प्रयास करेंगे, जिससे छात्रों का सभी क्षेत्रों में। सितारगंज के नानकमत्ता क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि वार्ड 6 में 2 महिलाओं, निकटवर्ती ग्राम छिद्दा नवदिया में 2 युवकों के शव बरामद किए गए। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात लोगों की तरफ से धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। थराली में पिंडर घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस साल की पहली बारिश और बर्फबारी से जहां स्थानीय पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुशी के मारे काफी ज्यादा उत्साहित हैं, तो वहीं देश विदेश से भी सैलानियों का खूब जमावड़ा लगा हुआ है। पिंडर घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रूपकुंड बेदनी बुग्याल आली बुग्याल में पर्यटकों का लगातार आगमन हो रहा है और सैलानी यहाँ पर बर्फ से खेल कर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत रछूली गांव निवासियों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान की थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट और उस दौर के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी की तरफ से भूमि पर आईटीआई भवन बनाने की स्वीकृति भी दी गई थी, जिसके बाद इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 2 साल बाद भी अब तक इस भवन में आईटीआई की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही 2.5 करोड़ की लागत से बना ये भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब स्थानीय लोगों के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल को दे दिया जाए। खेत के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रावधिक शिक्षा मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी थे और हमारे मान्य शिक्षा मंत्री उस समय 2006 की बात है, ये मान्य नरेंद्र सिंह भंडारी जी वो शिक्षा मंत्री थे। ये बिल्डिंग इसके लिए हमने 55 नाली हमारे ग्राम सभा ने 55 नाली जमीन ये दान के रूप में रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके बाद हमारे द्वारा जो ये पूरी प्रोसेसिंग की गई, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है मान्य नगर पालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में है यशपाल बेनाम, उनके द्वारा आईटीओ ऑफिस के लगभग शिलान्यास करवा रहे थे। तो हमारे द्वारा दोनों माननीय मंत्रियों को बताया गया कि हमने अपनी पूरी यहाँ व्यवस्था कर रखी है, आप हमारे साथ आइए। आईटीआई भवन जो है मेरे का 2 वर्ष पूर्व बनकर के तैयार हुए हैं, आजकल बिल्कुल कम्प्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है।
2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम ITR शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं का जो है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि जनता इंटर कॉलेज ने भी जो है एक कक्ष जो है ITR को संचालित करने के लिए दे रखा था और अभी तो उन्हीं के पास भी है। गोरखपुर के गुलबरिया थाना क्षेत्र के बटहट से एक बाइक चोरी हो गई। वहीं चोरी की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि बाइक एक निजी अस्पताल के सामने खड़ी थी, जिसे चोर लेकर भाग गए, जिसके बाद पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।